फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंतित केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रोटोकॉल तोड़कर डीसी ऑफिस पहुंच गए। फरीदाबाद में प्रदूषण पर रोक न लगने के चलते अफसरों की क्लास लगाते हुए उन्हें सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों के साथ बैठक कर चिंता भी जाहिर की। मंत्री ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर विभागीय अधिकारियों पर भी नाराजगी जाहिर की। बैठक में जिला उपायुक्त यशपाल यादव, नगर निगम कमिश्नर यश गर्ग, HSVP के एडमिनिस्ट्रेट प्रदीप दहिया के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी ने चाहा था कि दो तीन इश्यूज शहर के अंदर काफ़ी ज्वलंत हैं, उनके ऊपर बैठकर चर्चा की जाए और उनका समाधान किया जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो जैसा आप सब लोगों को पता है, नीलम फ्लाईओवर के नीचे फायर इंसिडेंट हुआ है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेक करवा के दोबारा से फंक्शनल किया जाए, एक चीज़ तो उन्होंने ये कही है। उसके अलावा बैठक में चर्चा के दौरान ये बात भी सामने आई कि इस तरह के फ्लाईओवर्स के नीचे काफ़ी जगह एनक्रोचमेंट हो रखी है या सामान डाल रखा है, तो उनको हटाया जाए, क्योंकि अगर फायर इंसिडेंट होती है तो ना केवल जानमाल का उससे नुकसान होता है बल्कि स्ट्रक्चर को भी नुकसान हो जाता है, और जिससे लोगों को बहुत लंबे समय तक असुविधा होती है। तो ये दो चीज़ें डिस्कशन में आई हैं। इसके अलावा पोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कशंस हुई हैं कि जो स्वीपिंग मशीन्स हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग ही हो ताकि धूल कम से कम उड़े। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग हो रोड्स के ऊपर, उसके बारे में चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं कुछ जो रुक गए हैं, उनको दोबारा से शुरू करवाने के लिए उसके ऊपर चर्चा हुई है।